तो बच्चों हम लोग आज डिस्कस करेंगे न्यूटन्स के थर्ड लॉ पर, जो लोग का आज का टॉपिक होगा। इसको बहुत अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है। बहुत आसान भी है, बट समझिए हम लिखा है कि जस्ट डिफाइन इसका फॉर एवरी एक्शन। क्या डिफाइन इसका है? फॉर एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction। अभी जस्ट में पढ़ाया, हर एक एक्शन के लिए, फॉर एवरी एक्शन, एक्शन मीन्स क्या, जिस फोर्स को हमने लगाया वो एक्शन है और जो वापस हमको मिला वो क्या है, रिएक्शन। हमने इस दीवार पर इस हैंड से 5 न्यूटन फोर्स अटैक किया, तो ये दीवार भी हमारे हैंड को कितना से अटैक करेगा, 5 से अटैक करेगा। ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है, जितना फोर्स आप किसी एक बॉडी पर लगा रहे हैं उतना ही फोर्स वो बॉडी आप पर भी लगाएगा, लेकिन वो दोनों फोर्स का दिशा क्या, सेम के अपोजिट, वही कहा गया। फॉर एवरी एक्शन, एक्शन मीन्स द फोर्स दैट वी अप्लाई, हमने जिस फोर्स को लगाया वो एक्शन है, वापस में हमें जो मिला वो क्या है, ठीक है। याद है ना, मान लो कि एक सरफेस है, इस सरफेस मान लो एक टेबल का टॉप है, इस टेबल के टॉप पर हमने एक बॉक्स रखा, बोले एक्शन ऊपर हुआ कि नीचे हुआ, नीचे। एक्शन मीन्स बॉडी का वेट, नीचे काम करेगा ना, बॉडी का वेट नीचे काम करेगा, इसको एफ ए कहेंगे, फोर्स ऑफ एक्शन। क्या रहेगा, फोर्स ऑफ एक्शन को शॉर्ट में क्या कहेंगे, एफ ए, फोर्स ऑफ एक्शन। बोलो बॉडी ने ग्राउंड की ओर फोर्स लगाया ना, नीचे की ओर, ग्राउंड क्या इसको छोड़ देगा, नहीं, ये भी इसके ऊपर की ओर लगाएगा फोर्स, इसे कहेंगे फोर्स ऑफ रिएक्शन, एफ आर, सही है। अच्छा एक बात और ध्यान रखोगे, जो फोर्स ऑफ एक्शन या फोर्स ऑफ रिएक्शन लगता है वो सेम बॉडी पर नहीं, दो डिफरेंट बॉडी पर लगता है। एक्शन किस पर लगा, एक्शन लगा ग्राउंड, रिएक्शन किस पर लगा, बॉडी, किस पर लगाया, ग्राउंड लगा, बॉडी ने ग्राउंड पर लगाया एक्शन, ग्राउंड ने बॉडी पर लगाया रिएक्शन। यहाँ दो बॉडी है कि नहीं है, मतलब एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो अलग अलग बॉडी पर लगेगा, इसीलिए वो कभी भी कैंसल आउट, मतलब कटता नहीं है। अब कहोगे सर ये दोनों आपस में इक्वल अप हो जाए, कट के जीरो हो जाएगा, नहीं, ये दो अलग अलग बॉडी पे है ना। अभी मैं आपसे पूछूंगा, एक बॉडी ये यहां पर है, ठीक है, 5 न्यूटन फोर्स आपने इस बॉडी पर इस तरफ लगाया और दूसरा आदमी भी 5 इसी पर इस तरफ लगाया, इस पर नेट फोर्स कितना काम किया, जीरो काम किया, नेट फोर्स जो काम किया ना, 5 में 5 के जीरो बचेगा। मैं पूछूंगा अभी जस्ट आपसे, क्या ये जो हम बोल रहे हैं अभी, हम क्या ये जो मैं बोले जा रहा हूं न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अंतर्गत आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां बड़ी लिखी है, इसी पर लगा इधर की ओर फोर्स, इसी पर लगा इधर की ओर फोर्स, सेम बॉडी लगा ना, यहाँ दो बॉडी है, दो बॉडी कैसे है, देखो इसने ग्राउंड को कंप्रेस किया, ग्राउंड ने इसको किया, दो बॉडी आ गया ना, बट इस बॉडी पर इधर भी लगा 5, इसी बॉडी पर लगा 5, बॉडी सेम हो गया, इसका मतलब दिस विल नॉट फॉर्म ए पेयर ऑफ एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो एक्शन और रिएक्शन का पेयर कब बनेगा, इस चीज को हम काफी अच्छे से डिस्कस कर दिए हैं, हमारे ख्याल से आप सीख भी करोगे। चलिए आगे बढ़े, बात में सुनोगे आप। अब कहोगे सर जब ये कैंसिल नहीं होगा तो इसे क्या कहेंगे, देखो यहां से एफ एफ ए, दैट इज मतलब इस पूरे सेंटेंस को शॉर्ट में एफ ए मतलब फोर्स ऑफ एक्शन, फोर्स ऑफ एक्शन मतलब जो आपने लगाया किसी बॉडी को एक्शन, इज इक्वल है ना, इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट मीन्स माइनस साइन, माइनस साइन दिखाता है अपोजिट से मोड, नेगेटिव साइन का दिखाता है अपोजिट से मोड, फोर्स ऑफ व्हाट, रिएक्शन, याद रहेगा, मतलब जो मैंने कहा उस सेंटेंस को इतना भी लिख सकते हो, फोर्स ऑफ एक्शन, फोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट, यहां कुछ नहीं इंटू वन कर सकते, माइनस वन इंटू समथिंग माइनस वन रहेगा ना, तो फोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल एंड माइनस वन का मतलब अपोजिट, ऑफ मीन्स गुना ऑफ, फोर्स ऑफ
क्या होगा ना, मतलब उस पूरे सेंटेंस को शॉर्ट में आप लिख सकते हैं एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ आर, ठीक है, दैट इज इन शॉर्ट यू कैन राइट एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ आर, सही है इन शॉर्ट। व्हाट डज नेगेटिव साइन शो हियर, कहोगे नेगेटिव साइन हियर, नेगेटिव साइन यहां पर जो बच्चों नेगेटिव साइन है वो शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन ऑफ, नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन ऑफ एक्शन इज अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ एक्शन का दिशा रिएक्शन के दिशा के जस्ट अपोजिट है, ये भी आपका नस का थर्ड लॉ ही करता है। नस के थर्ड लॉ में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था कहा फॉर एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज शॉर्ट इफेक्ट फैन हो गया, इसी को इतना कर सकते हैं। यहाँ सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट क्या बोले आपको हम, एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पर नहीं लगता, वो जब लगेगा तो डिफरेंट बॉडी पर, दो डिफरेंट बॉडी पर, ठीक है, दो बॉडी मौजूद होना चाहिए, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा क्या ये एक्शन और रिएक्शन का एग्जांपल है, नहीं है, क्या बॉडी सेम, क्या न्यूटन थर्ड लॉ को अभी कर रहा है, नहीं कर रहा है। और कोई आपसे पूछेगा क्या न्यूटन के थर्ड लॉ के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि नेट फोर्स इस बॉडी पर जीरो काम कर रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेम इस बॉडी पर ये नीचे लगा ना, ये पांच न्यूटन फोर्स इस पर नहीं लगा है, ये ग्राउंड पर लगा है। मान लो कि मैं अगर कहूँ ये एफ ए 10 न्यूटन है, एफ आर भी 10 होगा ना, मैं पूछूंगा क्या इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, जीरो बोलोगे, नहीं बोलना, जीरो क्यों नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ पर जो 10 लगा वो नीचे लगा मतलब ग्राउंड पर लगा है, वो इस बॉडी पर नहीं है, और जो 10 ऊपर लगा वो किस पर लग रहा है, 10 बॉडी पर लग रहा है, ग्राउंड पर नहीं लग रहा है, ठीक है। मतलब समझना ही था कि एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स है, जो पेयर ऑफ फोर्स है, वो एक ही बॉडी पर नहीं लगते, जब लगेंगे दो डिफरेंट बॉडी पर, ठीक है। चलिए फटाफट सब नोट कीजिए फिगर को, फिर लिखाता हूं मैं आगे, वीडियो पॉज कीजिए, हम जैसे ही ऑन हो वीडियो होना चाहिए, नोट कर लोगे। दिस टू फोर्सेस, दिस टू फोर्सेस एक्स, एक्स मीन्स लगेगा, एक्स ऑन टू डिफरेंट, एक्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ये दो फोर्स जो है एक्शन और रिएक्शन के, वो दो अलग अलग बॉडी पर लगेंगे, सेम बॉडी पर नहीं लगेंगे। पैराग्राफ चेंज करके इसी में देखोगे, दैट इज वाई, इसी कारण से, इसी में दैट इज वाई, दैट इज वाई का मतलब इसी कारण से, दैट इज वाई द नेट फोर्स इज नॉट जीरो, इसी कारण से नेट फोर्स जीरो नहीं होता, क्योंकि दो बड़ी अलग बड़ी है, बड़ी सेम रहेगा तब नेट फोर्स जीरो होगा, ठीक है, याद रहेगा। एक्शन और रिएक्शन जब भी आप बोल रहा है क्या, एक्शन और रिएक्शन का करोगे, एग्जाम मानो क्वेश्चन आ गया, मैं खुद से डेवलप कर दे रहा हूं अभी जस्ट फाइव, एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो कोई पूछेगा आपसे इज द पेयर ऑफ, इफ द पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन गिव्स रिजल्टेंट ऑफ जीरो न्यूटन, बोलिए कभी नहीं, एक्शन और रिएक्शन भले ही आपस में इक्वल है अपोजिट है, बट रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि दोनों बॉडी अलग अलग है, और रिजल्टेंट जीरो तब होता है जब एक बॉडी हो और उस पर लगा अपोजिट हो और सेम, ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा, नो, समझ में आया क्या बोले ना, एक्शन और रिएक्शन का पेयर अगर एक ही बॉडी पर लग रहा है तो वो जीरो होगा, लेकिन अगर दो डिफरेंट बॉडी है तो जीरो कभी नहीं होगा। चलिए आपसे एग्जांपल देता हूं, इसको समझना है कि एक्शन और रिएक्शन कैसे चल रहा है। मान लो हम मूव कर रहे हैं, पहला है हम वॉकिंग कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, या हम स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं,
यहाँ पर भी क्या एक्शन और रिएक्शन काम कर रहा है या नहीं, हम लोग जान सकते। हम जब वॉक करते हैं हम लोग का पैर जो है, मान लो पैर, ये पैर किसको कंप्रेस करता है, पहले चलते हैं तो ग्राउंड को कंप्रेस करते हैं ना, हमने ग्राउंड को अगर मान लो कि ये आपको फिगर हम दे रहे हैं, फिगर अगर हमारी लाइफ बनाया होगा तो देखो, तो मान लो बच्चों कि ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, हमने फिंगर से ग्राउंड को कंप्रेस किया, ये मान लो फिंगर है जिसे मान लो कि मैंने इसे कंप्रेस किया, ठीक है, कंप्रेस किया फिंगर से ग्राउंड को और नीचे की ओर ये कंप्रेस किया ना, तो एक्शन कहाँ हुआ, ये एक्शन हो गया ना, ये एक्शन, इसका रीजन कहाँ ऊपर होगा, ये हम लोग को इनेबल करता है आगे बढ़ने के लिए। अगर एक्शन नहीं करते तो मान लो हम फिंगर से पैर दबाते नहीं, ये पैर पर फोर्स आगे लगता नहीं, और आगे नहीं लगता तो हम आगे बढ़ते नहीं, इसका मतलब कि ये हुआ हम जो एक्शन किए वो कहाँ किए, ग्राउंड पर किए, और उसका रिएक्शन किसने दिया, ग्राउंड ने दिया, किसे दिया, हमें दिया, जिसका हम आगे बढ़ते, ठीक है, हमने एक्शन लगाया नीचे की ओर तो रिएक्शन आगे की ओर तो हम आगे बढ़े। या आप अगर मान लो स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं, ध्यान देना तैर रहे हैं तो यहाँ मान लो वाटर है, बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ वाटर है, आप जब स्विमिंग करते हैं देखते हो पानी को हाथ से पीछे मुंह करते हैं, हमने क्या किया, एक्शन किया, एक्शन किस पे किया हमने, वाटर पर, वापस पानी हमको आगे पुश करता है और आगे बढ़ते हैं ना, देखते हो कि नहीं, हम जितना फास्ट में पीछे करते हो उतना फास्ट आगे बढ़ता है, इसका मतलब ये किया हुआ। इसके अलावा एक और, एक नाविक जो होता है, नाव चलाता है, जो नाव चलाने वाले के पास इस तरह का होता है ओर्स, ओर्स कहते हैं, ओ ए आर एस, ओर्स जो लकड़ी का होता है या लोहे का होता है, वो उससे पीछे करता पानी को, वो ना वो नाव पर बैठे हुए है लेकिन उस रॉड से पानी को पीछे करता है नाविक, उसका नाव उतना आगे बढ़ता है। देख लो कई नाव में एक रॉड नहीं बल्कि दो तीन भी जा सकते हैं, जितना अधिक ओर्स होगा उतना फास्ट नाव आगे बढ़ेगा, है कि नहीं, जितना ज्यादा एक्शन होगा उतना अधिक नाव पर रिएक्शन भी होगा, ठीक है। यहाँ पर दिए एग्जाम्पल किसके हुए, ये एग्जाम्पल किसके है, इंडस्ट्रियल लोग। इसके अलावा हम लोग जब बुलेट को फायर कर रहे हैं गन से, वहां भी गन्स का थर्ड लोग काम करता है, कैसे सर, मान लिया जाए कि हमने, मान लिया जाए हमारे पास ये एक बुलेट है, ये एक मान लो गन है, ठीक है, इस गन में ये बुलेट है मान लो, ठीक है, अभी बुलेट फायर नहीं हुआ है लेकिन जैसे ही हमने इसे ऑन किया तो बुलेट आगे निकलता है, बट पहले वो अटैक करता है किस पर, पीछे, पहले वो क्या होता है, मतलब कि इसके पीछे एक होता है और ऑब्जेक्ट, तो एक होता है वो इस पर अटैक किया, ये से आगे बढ़ा, मतलब ये पीछे से मान लो बुलेट, ये मान लो बुलेट है, बुलेट उस गोली हो गया, और पीछे एक मान लो और लोहा का पार्ट है, जब स्ट्राइक किया इस पर अटैक किया, ये मूव किया गया, ये जैसे ही मूव किया इसने किसको पीछे पीछे पुश किया, इस कारण से गन पीछे मूव करता है, मतलब जब बुलेट फायर, जब हम लोग बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट तो आगे क्यों मूव करता है, बट गन कहां मूव करता है, तो बोलो यहां पर एक्शन किसने किया, एक्शन बुलेट ने किया, और रिएक्शन किस पर हुआ, इसी कारण से गन पीछे की ओर मूव करता है, और गन के पीछे की ओर मूव करने की प्रोसेस को, की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रिकॉइल ऑफ गन, क्या कहते हैं उसको, रिकॉइल ऑफ गन, क्योंकि व्हाट इज रिकॉइल ऑफ गन, कहोगे द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ गन इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ गन, गन का पीछे मुड़ना ही उसका रिकॉइल ऑफ गन कहलाएगा। फिर कोई पूछेगा आपसे व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी क्या होता है, जिस वेलोसिटी से कौन मूव किया पीछे की ओर, गन मूव किया पीछे की ओर, उसी वेलोसिटी को कहते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। मैंने अभी आपको यहां पर दिया तो मिला करके तीन, पहला हम लोग अगर ग्राउंड पर मूव कर रहे हैं हम लोग का जो फिंगर है वो कंप्रेस करता है किस ग्राउंड को, मतलब फिंगर ने एक्शन किया, ग्राउंड ने उसका रिएक्शन दिया जिस कारण से हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्विमिंग करते हैं तो हम लोग अपने हैंड से या नाविक और से पानी को पीछे मूव करता है जिस कारण से उसको पानी क्या करता है, आगे मूव करने का करता है। तीसरा एग्जाम्पल दिया आपको गन का रिक्वायलेशन, गन
किस तरह रिक्वायर किया, व्हाट एग्जाम में पूछता है, व्हाट डू मीन बाय रिक्वायर ऑफ गन, क्या बोलोगे, बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ गन आफ्टर फायरिंग, इसको व्हाट रिक्वायर ऑफ गन एंड व्हाट इज रिक्वायर वेलोसिटी, तो बोलोगे द वेलोसिटी विथ विच गन रिक्वायर्स या द वेलोसिटी विथ विच गन्स मूव्स बैकवर्ड आफ्टर फायरिंग, फायरिंग करने के जस्ट बाद गन पीछे को मूव करता है ना, जिस वेलोसिटी से गन पीछे को मूव किया उसी वेलोसिटी को कहते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, दैट्स ओके। इसका फॉर्मूला भी है, इसको हम पढ़ाएंगे। और इनके अलावा आप एक और देखिए, आप देखते हो बैलून, मान लो एक बैलून में पूरी तरह से हमने हवा को भर दिया, खाओ खाओ बोलो क्या बोल रहे थे भैया, हंस कर रहे हो, हंस रहे हो तुम्हें, एक हमारे पास मान लो बैलून है, बैलून में हमने हवा को पूरी तरह से फिल्ड कर दिया, जब हवा को हमने फिल्ड कर दिया उसके बाद में बोलूंगा अगर आपसे कि बैलून जो हमारे पास है उस हवा को फिल्ड करने के बाद जैसे ही बैलून को मानो बांधे नहीं है, यहाँ पर टाइप नहीं किया, बांधे नहीं है, तो उसको अपन छोड़ दिए, देखते हैं बैलून अपने आप ऊपर उठता है, ठीक है, लेकिन वहां पर ध्यान दो क्या हो रहा है, जिसमें हवा है वो नीचे की ओर कंप्रेस, बात दे रही है, हवा जब नीचे बढ़ेगी, हवा नीचे आ रही ना, तो ये बैलून कहाँ जाएगा, एक्शन नीचे हुआ इसका रिएक्शन, तो इस कारण से बैलून अपने आप मूव करती है, अगर खुला हुआ बैलून को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है ना। रॉकेट में भी सेम ऐसा ही होता है, रॉकेट आप देखो मेरा ओरिजिनल रॉकेट उड़ते हुए, ये रॉकेट जो दीपावली में छोड़ते वो नहीं बोलता, ओरिजिनल रॉकेट जो हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है, उसमें हो गए कहीं, अगर आप टीवी में ऑब्जर्व किए होंगे ओरिजिनल रॉकेट जब भी मतलब कि खुलता है शुरू होता है आप देखोगे चारों तरफ बहुत धुआं हो जाता है, क्यों होता है, क्योंकि जो फ्यूल होता है, फ्यूल मतलब तो क्या होता है जिसको जला रहे हैं, इसमें जो फ्यूल है वो जलने के बाद इतना ज्यादा प्रेशर से, इतना अधिक प्रेशर से वो फ्यूल जलता है, इतने धुएं निकलते हैं कि धुएं किसकी ओर जाते हैं, ग्राउंड की ओर जाते हैं, उसी धुआं गया नीचे की ओर, मतलब प्रेशर काम किया नीचे, एक्शन नीचे हुआ उसका रिएक्शन कहाँ हुआ, ऊपर हुआ, इस कारण से रॉकेट उतना ही फास्ट आगे बढ़ पड़ता है, ठीक है ना। इसका मतलब हम यहाँ पर पांच एग्जाम्पल दिया आपको, पांचों एग्जाम्पल किस चीज को शो कर रहे हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ का ऑब्जर्व कर रहे हैं, चलिए पांचों एग्जाम्पल अगर तुम क्या बताए बताओ, बारी बारी से पांचों एग्जाम्पल बताओगे, मार्क्स जब रोकना बोलो, वॉकिंग में क्या हुआ, टॉपिक सब बनाओगे, गिव सम एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मैं बोल दूं दिखा दूं क्या, देखो पहला ये कुछ कर लोगे, पहला मैंने कहा वॉकिंग, दूसरा कहा स्विमिंग, सबके बारे में एक्सप्लेन करोगे, सुनो थोड़ा सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, वॉकिंग के बारे में लिखोगे, व्हेन वी वॉक देन आवर फिंगर्स ऑफ द लेग्स प्रेसेस द अर्थ इन वार्ड सो दैट देयर रिएक्शन कम्स आउटवर्ड एंड वी आर एबल टू मूव, ठीक है पहला हो गया। ड्यूरिंग स्विमिंग वी पुश द वाटर बैकवर्ड सो वाटर पुश अप फॉरवर्ड सो दैट वी कैन मूव, ठीक है। थर्ड इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट सब चीज का वैसे प्रॉब्लम सर। इसके बाद एक और क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट है उसको हम लिखा देंगे, देखो व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय रिक्वायर ऑफ गन, व्हाट डू यू मीन बाय रिक्वायर ऑफ गन, What do you mean by recoil of gun? Gun का पीछे मुड़ना वो क्या है? The backward movement of gun during firing
द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ गन ड्यूरिंग फायरिंग इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ गन. द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ गन ड्यूरिंग फायरिंग इज कॉल्ड व्हाट? रिकॉइल ऑफ गन. ठीक है, उसके बाद देखो रिक्वायर वेलोसिटी. नेक्स्ट है रिक्वायर वेलोसिटी. देखो द वेलोसिटी द वेलोसिटी विथ विच द वेलोसिटी विथ विच गन with which gun moves in backward direction, guns moves in backward direction is called recoil velocity. मतलब जिस velocity से gun पीछे की ओर move करेगा उसी को कहते हैं क्या हम लोग? रिक्वायर वेलोसिटी. दैट्स ओके, बहुत बढ़िया आंसर हो गया. चलिए उसके बाद यहां तक आपने सब सीख लिया है और जितना आपको बताया है एग्जांपल्स वो खुद लिख करके कर लोगे. चलिए एक क्वेश्चन और रहिएगा. व्हाई क्वेश्चन है? व्हाई Why to extinguish fire? मतलब होता है बुझाना. Why to extinguish fire? Extinguish fire by firemen had to have to keep the hose pipe hose pipe का जो पाइप का नाम है जिस पाइप से निकलता है पानी ना उसको हॉस पाइप कहते हैं. To keep the hose pipe, ठीक है, हार्डली मतलब कस के, मतलब कि फायरमैन को जब फायर को बुझाना होता है तो वो हॉस पाइप को बहुत हार्डली कर सकते हैं या आप कर सकते हैं तो क्या एक और वर्ड टाइटली और भी एक वर्ड कर सकते हैं सोचिए. जेंटली तो हल्का होता है, रिजिडली रिजिडली मतलब होता है कठोरता से. याद रहेगा? थोड़ी पॉज कीजिए. तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये है, ये अर्थ है. ठीक है, सपोज करो आप ये अर्थ है, इस अर्थ और ये बॉल, ये सिर्फ और सिर्फ एक बॉल, एकदम ध्यान से समझोगे. बॉल अर्थ पर, बॉल है मान लो यहां, बॉल को अपनी ओर कौन खींच रहा है? अर्थ खींच रहा है कि नहीं खींच रहा? एक्शन किसने किया? एक्शन किसने किया? अर्थ ने. ठीक है, क्लियर? अब ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं. ये बॉल नीचे की ओर खींचा रहा है अर्थ के द्वारा, अर्थ को ऊपर की ओर खींच रहा है कौन? बॉल. दोनों एक दूसरे की स्थान कहो सर क्यों? यह भी आप पढ़ाया नहीं गया, पढ़ना भी नहीं है, फिर भी क्वेश्चन जनरेट में कर रहा हूं ताकि आप कुछ सीख पाए. दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स कौन फोर्स है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स. दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स कोई है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स. दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कोई है? जानते हो कौन?
उस फोर्स को कहते हैं न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर बम बनाने के काम आता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कोई है तो न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियस के अंदर काम करता है, और सबसे वीकेस्ट फोर्स कोई है तो ग्रेविटेशन फोर्स। आपको इसके बारे में ये पढ़ना है, इसके बारे में भी अभी इस चैप्टर में ही पढ़ना है, फिर इसको सीख लो। दुनिया में कोई भी वस्तु हो, कितना भी छोटा क्यों नहीं हो, कितना ही बड़ा क्यों, दो वस्तु, ये दोनों क्या आपको लग रहा है कि एक दूसरे को खींच रहा है अपनी ओर, नहीं रहा, लेकिन खींच रहा है, खींच रहा है। आप भले इसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मास बहुत कम है ना, इसलिए महसूस नहीं कर रहा है। दुनिया में हर एक वस्तु एक दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचता है किसी फोर्स से। उस फोर्स को आप माप सकते हो, भले ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, भले महसूस नहीं करते हो, तो इसका मास बहुत कम है। हम दोनों के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, एक फैन हमारे बीच फोर्स काम कर रहा है, एक वॉल हमारे बीच भी काम कर रहा है, एक बुक और एक कपड़े के बीच भी फोर्स काम कर रहा है, एक स्याही का डब्बा और बोर्ड के बीच भी फोर्स काम कर रहा है, ये भी दोनों खींच रहा है, फिर भी ये इसकी ओर नहीं जा पा रहा है, ना इसकी ओर जा पा रहा, क्योंकि इसका मास बहुत कम है। लेकिन वही बात करें अर्थ और बॉल की, तो उसमें एक बड़े का मास बहुत बढ़ गया ना, इस अर्थ का मास। इसलिए हमेशा बॉल जिसका मास कम है वो किसकी ओर चल जाता है, दुनिया की हर दो वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है। कहोगे सर सन भी तो खींच रहा है, बिल्कुल सन भी अर्थ को खींच रहा है, ठीक है, सन भी अर्थ को अपनी ओर खींचता है, जिस कारण से अर्थ मूव कर रहा है। अगर सन अर्थ को अपनी ओर नहीं खींचता तो अर्थ कभी भी मूव नहीं कर पाता सन के चारों तरफ, ठीक है। मून भी अर्थ को खींच रहा है, जिस कारण मून मूव कर रहा है किसकी ओर, ठीक है, याद रहेगा। मतलब कि ये फोर्स को तुम महसूस इसलिए कर नहीं पाते हो क्योंकि मास बहुत कम है। और वही अगर कोई दूसरी बॉडी की बात करें हम, अर्थ की, मून की, सन की, ये सब महसूस करता है क्योंकि वहां मास बहुत कम हो गया। तो मैं सवाल यहां कर रहा हूं, स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें जितने फोर्स से ये खींच रहा है उतना ही फोर्स से उसको हम भी खींच रहे, ठीक है। मतलब एक्शन कौन किया, अर्थ ने, तो रिएक्शन किसने किया, बॉल ने। दोनों सेम क्या पोजीशन, सेम सेम है ना, दोनों सेम। जितना फोर्स से बॉल को अर्थ खींच रहा है उतना ही फोर्स से अर्थ बॉल को भी खींच रहा है। फिर भी कभी देखते हो कि बॉल की और अर्थ आ रहा है, आता है क्या, नहीं आता है ना, बल्कि अर्थ जाता है बॉल की ओर। कहो क्यों सर, कारण क्या, सिंपल है कंसेप्ट, तुम्हारा आंसर एफ इक्वल सब पढ़े एम इन टू ए पढ़े हम, ए इक्वल क्या होगा एफ बाई एम होगा, ध्यान में, अर्थ का मास बड़ा कि बॉल का मास बड़ा, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, नहीं है, तो उसमें एक्सीलरेशन बहुत कम, मतलब एक्सीलरेट कर ही नहीं पा रहा है, कौन अर्थ मूव कर ही नहीं पा रहा। गाड़ी में जब एक्सीलरेट नहीं लगता गाड़ी मूव कर पाता है, जाम मान लो गया, कोई क्या होगा, अर्थ का मास बहुत बड़ा उसमें एक्सीलरेशन बहुत कम, जब एक्सीलरेशन बहुत कम तो अर्थ मूव करेगा, बॉल का मास बहुत कम, बहुत कम ए बहुत ज्यादा, तुरंत एक्सीलरेट कर गया और तुरंत गिर गया आराम धाम से, कौन सेम आया, यही कंसेप्ट है, ठीक है। फिर पूछेगा अर्थ ने बॉल को खींचा, बॉल ने अर्थ को खींचा उतना ही फोर्स से, फिर भी बेचारा बॉल चला गया अर्थ के पास, अर्थ बॉल के पास नहीं आया, क्यों, बोलना पड़ेगा बिकॉज द मास ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज, सो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इज वेरी लेस, वेरी वेरी लेस, दैट इज व्हाई अर्थ इज नॉट एबल टू मूव टुवर्ड्स द, सेम आ गया ना, ये कंसेप्ट हुआ है, इतना कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन लिखे यहां पर देखो, ए बॉल अट्रैक्ट द अर्थ विद द सेम फोर्स, ए बॉल अट्रैक्ट द अर्थ विद द सेम फोर्स, विद द सेम फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉल, ए बॉल अट्रैक्ट द अर्थ विद द सेम फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉल। यहां तक सब सहमत है, ये बोलो किस लॉ से लिखे, थर्ड लॉ से लिखे, बट वाई, देखो बट वाई, लेकिन क्यों, बट वाई बॉल डज नॉट एबल टू, बट वाई अर्थ डज नॉट एबल टू मूव टुवर्ड द बॉल, बट वाई अर्थ
does not able to move, but why earth does not able to move towards the ball. ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से सुनोगे आपने, आगे ध्यान से सुनोगे। एक एग्जाम्पल और, बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये, बुलेट और गन। जितना फोर्स से बुलेट ने पीछे अटैक किया किस पर, गन पर, उतना ही फोर्स से गन ने बुलेट पर अटैक किया, फिर भी दोनों ने फास्ट कौन मूव किया, तो बुलेट बहुत हल्का होता है और छोटा होता है, और गन का मास बहुत बड़ा, बहुत भारी होता है, मास बहुत ज्यादा, ए बहुत कम, ए बहुत कम, गन मूव करेगा बट बुलेट के पीछे तो, ठीक है ना, मतलब एज ए होल यहाँ मास पर आ गया। कोई पूछे गन भी उसी फोर्स से अटैक किया बुलेट पर, जितना फोर्स से बुलेट ने गन पर अटैक किया, फिर भी बुलेट बहुत तेजी निकल गया और गन थोड़ा सा पीछे, हल्का सा, थोड़ा बहुत छोड़ता है, बस छुटता नहीं छोड़ सकता बस। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स फिर भी सेम, फिर भी उतना मूव करने के फास्ट है, क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है, मास ज्यादा तो ज्यादा रहेगा। इसीलिए तुम कई बार देखते होगे जो बॉर्डर पे लड़ते हैं सैनिक वगैरह, उनका जो गन्स होता है उसको वो कहीं पर फिक्स कर लेते हैं, तो कोई चीज से फिक्स कर, उसके बाद फायरिंग करता है, वो जानता है कि फिक्स कर लेंगे तो उसको कोई तरह का चोट से करना पड़ेगा नहीं, मतलब कहीं भी उसको पीछे झटक लगेगा नहीं, फिक्स कर दिए, और नहीं तो क्या होगा, बार बार उसको ऐसे करना, फिर से करना है कि नहीं। इस कंसेप्ट को बिल्कुल ध्यान रखोगे, बिल्कुल हम सारा कंसेप्ट दे दिए आपको वीडियो पॉज करके।